अगर आप ही वॉइस चैट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हाल ही में एक ऐप ने सभी यूजर्स के प्राइवेट कॉल्स को लीक कर दिया है। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है ओएट टॉक। साइबर न्यूज ने एक रिसर्च में पाया है कि ओएट टॉक ऐप ने अपने डेटाबेस को पब्लिक एक्सेस के लिए छोड़ दिया था। ओएट टॉक को अब तक 50 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं और गूगल प्ले स्टोर पर इसे 21,000 रिव्यूज और 5 स्टार में से 4.1 की रेटिंग मिली है। सिक्योरिटी की कमी ने यूजर्स के प्राइवेट डेटा और कॉन्वर्सेशन को लीक किया है। बता दें, ये ऐप यूजर्स को विभिन्न विषयों पर डिस्कशन रूम और पॉडकास्ट होस्ट करने का मौका देता है। ओएट टॉक को सबसे तेजी से बढ़ते ऑडियो टैलेंट होस्टिंग एप्लीकेशन में से एक के रूप में प्रमोट किया गया है और ये 100 से ज्यादा देशों में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। साइबर न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल फायरबेस के अनप्रोटेक्टेड एक्सेस के जरिए वॉइस चैट ऐप ओएट टॉक का यूजर डेटा और कॉन्वर्सेशन लीक हो गया था। लीक हुए डेटा में यूजर्स के चैट, यूजर नेम, सेलफोन IMEI नंबर शामिल थे, जिसका हैकर्स या बाकी लोग गलत इस्तेमाल कर सकते थे। ये पहली बार नहीं है जब ओएट टॉक ने यूजर्स का डेटा लीक किया है। डेटाबेस में ओपन फायरबेस की पहचान करने के लिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो डेटा के लिए सही वेरिफिकेशन और प्राधिकरण की कमी का प्रदर्शन करता है। ये गड़बड़ी हैकर्स को ईमेल लॉगिन जैसे संवेदनशील डेटा का एक्सेस करने का मौका देती है।